उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर शुगर मिल किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए कोरोजन और फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। इन किसानों का आरोप है कि कोरोजन लगाने से फसलों में रेड रोट की बीमारी हो रही है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जमालुद्दीनपुर के किसान संदीप कौशिक, दतियाना के सौरव त्यागी, पीपली के योगेंद्र उर्फ भोले, नरेश ठाकुर इत्यादि किसानों का कहना है कि मिल द्वारा दिए गए कोरोजन से उनकी करीब 30 बीघा गन्ने की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का आरोप है कि कोरोजन के प्रयोग से फसल को बीमारी लगी है। अगर मेरा वो नहीं मिला ना, मेरा खेत का मुआवजा, जो सैलपान मेरा जी है, मैं हाथ में 24 घंटे 12 बजे तक कटे। क्या कारण है, क्या कारण है इसका? मेरे खेत में जितना नुकसान, बाढ़ पीड़ित हूँ मैं। मैंने 1.5 लाख का गन्ना मोल गुला के बोया। दवाई लगाई इनकी, कोरोजन इन्होंने दी मिल वालों ने, नकली दी मुझे कोरोजन 7 बोतल। मैंने ना चैलेंज परसों तक वादा कर दिया था कि मैंने परसों तक मेरा रिजल्ट निकल जा, अन्नी मैं कोरोजन खा खेत में। अगर मेरे खेत में रोग नहीं है, तुम कहना खेत में करो, तुम्हारे खेत में रोग नहीं है। यहाँ अधिकारी है, कृषि वाले भी है, सचिव साहब भी है, जब ये आश्वासन कोई सैंपल ले जा रहे भर के, ना कोई FIR। अगर किसान के खिलाफ कोई वैसा ऑप्शन होता तो FIR हो जाती। वहीं किसानों की शिकायत पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत खेत पर पहुंचे और फसल का मुआवजा भी किया और इस मामले अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। मैंने उनके खेत का जांच किया, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया वो ये लगाया गया कि गन्ना के खेत में उन्होंने कोरोजन का इस्तेमाल किया, जो कि उनके खेत में काम नहीं किया। उनके शिकायत के आधार पर हमने इनके मिल के स्टॉक का जांच किया। 366 लीटर हमें स्टॉक मिला है कोरोजन का, जिसका कि हमने सैंपल उठा लिया है। सैंपल लेकर के हम इसको अपने लेबोरेटरी में भेजेंगे, सरकारी लेबोरेटरी में भेजेंगे। जब उसके रिजल्ट आएंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बीच में भी जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं कि उन्होंने रसीद, मिल वालों ने रसीद नहीं दी है और ये घर घर जा कर के जो है उसको बेचते हैं दवाई को, जो कि हमारे जो नियम है लाइसेंस के, जो नियम टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके अंतर्गत नहीं आते हैं और जो कि गलत है। इसके लिए भी हम स्किन के ऊपर, मिल के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। किसान कह रहे हैं कि मतलब अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम जहर खा के मर जाएंगे, दिखा रहे थे, इसमें क्या कहना आपको? नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ऐसे में क्या, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कार्रवाई होगी हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। उनके, मैं ही उनके खेत पे गया था, उनका डायरेक्टली कॉल भी नहीं आया मेरे पास। मैंने खुद उनसे संपर्क साधा है कि क्या केस है, क्या है करके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भी इस पे जो भी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। एक बात है, जो इसीलिए इसके लिए हम इसको स्टॉक को रोक देंगे, इसकी बिक्री रोक देंगे। बिक्री रोकेंगे, बैच नंबर उसमें होता है, हर दवाई पे बैच नंबर होता है, उस पर्टिकुलर बैच पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। नहीं, जैसा भी हम सीज इसको उसी आधार, देखिए हमने इसका QR कोड स्कैन किया, आप भी इसका QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन करने पे हमने ये देखा कि उसकी सारी डिटेल्स जो आ रही है वो सही आ रही है।